हेलो इंडिया, नमस्कार। मैं हूं अलका और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टॉक फॉर इंडिया। मुद्दा वही जो देश हित के लिए हो सही। तो जल्दी से मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर एक अपडेट्स मिलता रहे। जैसा कि आपको पता है, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में 8 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में निधन हो गया। तो आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। बिहार की राजनीति में दलितों का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले रामविलास पासवान हमें अलविदा कह गए। देश के दिग्गज नेताओं में शुमार पासवान पिछले कुछ समय से बीमार थे और दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे। रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया जिले के शहर बन्नी गांव में हुआ था। इसके बाद वह कोसी कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1969 में बिहार के डीएसपी के तौर पर चुने गए थे। 1969 में पहली बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से विधायक बने थे। इसके अलावा रामविलास पासवान 1974 में पहली बार लोकदल के महासचिव बनाए गए थे, जबकि वह व्यक्तिगत रूप से राजनारायण, कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिंह जैसे आपातकाल के प्रमुख नेताओं के करीबी थे। यही नहीं, उन्हें भारतीय राजनीति में मौसम विज्ञानी भी कहा जाता था। बिहार की राजनीति में दलितों का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले रामविलास पासवान ने 2019 में चुनावी राजनीति में अपने 50 वर्ष पूरे किए थे। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर में 6 प्रधानमंत्रियों की मंत्रिपरिषद में केंद्रीय मंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाई। पासवान ने जिन पीएम के साथ काम किया उनमें पूर्व पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी शामिल हैं। इसके अलावा रामविलास पासवान को लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे समाजवादी नेताओं की श्रेणी में रखा जाता है और जेपी आंदोलन की उपज माना जाता है। उन्होंने 1960 के दशक में राजकुमारी देवी से शादी की थी। 2014 में उन्होंने खुलासा किया कि लोकसभा नामांकन पत्रों को चुनौती देने के बाद उन्होंने 1981 में उन्हें तलाक दे दिया था। उनकी पहली पत्नी राजकुमारी से उषा और आशा दो बेटियां हैं। 1983 में अमृतसर से एक एयर होस्टेस और पंजाबी हिंदू रानी शर्मा से विवाह किया। उनके पास एक बेटा और एक बेटी है। उनके बेटे चिराग पासवान एक अभिनेता से राजनेता बने हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर कमेंट कर बताएं। टिल देन फिर कुछ नए जानकारी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, क्योंकि अभी भी है कोरोना। तो सेफ रहिए और मास्क जरूर लगाएं।